काम में इतना बिजी है तुम मुझे भूल जा रहे हैं। रोज तो आती हूँ ऋत्विक, एक एक टाइम करके 5 मिनट के लिए होता है तो भी आती हूँ मैं तेरे पास, फिर भी तू मुझे बातें सुनाता है कुछ। हाँ बस 5 मिनट के लिए आता है तो ये बात सुना दिया मुझे। हाँ तो आती तो हूँ ना। हाँ एक तू ही है जो सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है तो भी आता है, दूसरा तो कोई नहीं है जो आने आने वाला है मुझे देखने। क्यों भूमिका वो नहीं आई तुझे देखने? नहीं भूमिका नहीं आती, मेरे गर्लफ्रेंड एक्चुअली दूसरे कंपनी में उसका ट्रांसफर हो गया। अच्छा कहाँ पे है? बेंगलोर में। चलो अच्छी बात है, वहाँ पे ज्यादा सैलरी जो मिल रहा है। हाँ, तो मैंने रुका नहीं। बुरा लग रहा होगा ना, मिल नहीं पा रही है, उसको भी बुरा लग रही होगी। देख रिलेशनशिप आने से पहले हम दोनों का ही फर्स्ट प्रायोरिटी फ्यूचर को लेके था, मैंने भी रोका नहीं उसे, वो भी चली गई। जिंदा रहे तो फिर से मुलाकात होगी कभी ना कभी। हाँ सिर्फ मैं ही आती हूँ तुझसे मिलने। हाँ एक बात मुझे याद आई, एनी मिलने आई। एनी? हाँ वो बोल तो रही थी कि वो आई। एनी मतलब तेरी वाली एनी, वो अनन्या? उसके साथ तो मेरे ज्यादा बनती नहीं। क्यों तेरी टीम में भी तो है, मतलब तेरी टीम में है तो तुझे तो खबर होगी ना कि वो मतलब। नहीं मुझसे इस बारे में कुछ बात नहीं, और वो ऑफलाइन है ऑफिस में तो उसका अटेंडेंस भी नहीं आई थी, वो तो बहुत दिन से ऑफलाइन है, कुछ पिछले दिनों से। और बाय द वे तुझे क्या बोला था वो मुझे देखने आएगी? हाँ मुझे फोन करके बोला कि वो। और तूने उसके बाद कुछ उसके बारे में खोज भी नहीं लिया कि आई कि नहीं, वो तुझे बताई नहीं? वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं उसे बिना वजह परेशान कर रही हूँ तो। नहीं तूने इतनी एफर्ट दिया उसके बाद भी उसने तुझे बताया नहीं कि मेरे पास आई कि नहीं? मैंने एफर्ट नहीं दी ऋत्विक, मैंने उसे बोला ही नहीं मेरा क्या फीलिंग्स है उसके लिए, कभी बताया नहीं क्या मैंने उससे? अरे यार वो स्मार्ट है वो समझ जाएगी, बट तुझे तो थोड़ा बहुत एफर्ट देना चाहिए था ना। मैं क्या करूँ ऋत्विक, मतलब मुझे लगा कि वो बहुत अपनी लाइफ में, शायद उसके दिल में तेरे लिए कुछ फीलिंग है, बस एक हिंट चाहिए उसे। अभी क्या करूं मैं, मतलब क्या मुझे करूं? लगा कि तुझे पता होगा। मैं तुझे एक लास्ट सजेशन दे रहा हूँ यार, इसके बाद अगर ये काम तू अगर नहीं करेगी प्लीज मत आ, ये 5 मिनट के लिए मेरे पास मत आ, जा अभी तू जा उसके साथ बात कर और जो भी है तेरे दिल में कोशिश कर वो बयां करने के लिए। मतलब क्या लगता है अभी जाना सही होगा उसके घर पे? बिल्कुल, देख बंदी मेरे पास भी नहीं आई, तुझे बोला था लास्ट बार के, बोला था ना कि मेरे बारे में कंसर्न, तो तेरी फर्ज है ना उसे पूछने के लिए कि मुझसे मुलाकात हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं आया, क्या है उसके दिल में। और ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे भी ध्यान नहीं दे रहा, ऑफिस में भी एब्सेंट है, ऑफिस भी नहीं आ रहा, ऑफलाइन है। तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। यस यू शुड डेफिनेटली। मुझे लगा कि वो अपने लाइफ में बिजी है पर तुझे मुझे पहले बताना चाहिए थे, वो ऑफिस में ऑफ है और तू अभी बोल रहा है कि तेरे साथ भी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं अभी, तो प्लीज अब यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट मत कर बंदी। ठीक है बाय बाय बाय। अच्छा तो मैडम जी अपने टेरी को लेके खेल रही है इधर, लॉग इन क्यों नहीं हो रहे हो तुम? मुझे अभी ऋत्विक से पता चला, मैं उसके घर गई थी तो उसने बोला कि तुम बहुत दिनों से लॉग इन नहीं हो रही हो, पर क्यों? अरे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? इधर देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है? नहीं बात नहीं कर रही हो किस, मतलब बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई है, कॉल भी नहीं करती हो, लॉगिन भी नहीं कर रही हो, क्या हुआ है? उधर मुंह घुमा के क्यों बैठी हो, इधर देखो। अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? है नहीं मेरी तरह देखो, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? आई ओके? क्या हुआ है?
देखो मेरी तरफ देखो तुम। बोलो मुझे क्या हुआ। यानी जान, पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत कुछ हर्ट किया। मतलब क्या एक्चुअली हुआ है? बोलो यानी कहाँ से शुरू करूँ। एक्चुअली तुम्हारी बहन ऋषिका से। कौन? ऋषिका। ऋषिका वो आई थी मेरे घर। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। We like each other, right? यहाँ पे लव कहाँ से आ गया? Hope you understand. अगर चाहते हो तो हम एक साथ ऐसे रह सकते हैं। जा सकते हैं बस। मैं ऐसे ही जाऊँगी। Take care. और प्लीज़ मुझे बुरा मत मानना। मैंने कभी तुम्हें कमिटमेंट किया ही नहीं था तो आज भी बारी नहीं है कमिटमेंट करने की। मतलब एनी तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम मुझे इतने दिनों बाद बोल रही हो। एक कॉल नहीं कर सकती थी मुझे, एक बार बुला नहीं सकती थी तुम्हारे घर पे। मतलब इतना दिन, मतलब इतने दिन से ना तुम एक दूसरे को जानते हैं, क्या अच्छे से दोस्त भी नहीं बन पाए हम कि तुम मुझे कुछ शेयर कर सको अपनी। आई कॉन्ट बिलीव कि तुम इतने दिनों से ऐसे बैठी हो और मुझे कुछ भी नहीं बताया तुमने। बट मैंने ऋषिका को बताया था कि मैं तुम्हें एक बार इन्फॉर्म करूं, बट उसने मुझे मना किया। और जब उसके बाद ये सब हुआ तब सच में वो मना करेगी बोलने के लिए, तुम नहीं बोलोगी?
मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई अभी तक, राइट? I'm sorry, जानवी। अभी सॉरी से क्या फ़ायदा एनी, बहुत दिन हो गया है, इतना कुछ हो गया है, अभी तुम मुझे सॉरी बोल रही हो। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, आई नो, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। एनी सॉरी जानवी। एनी इट्स ओके, तुम स्टॉप क्राइंग एनी। आई एम नॉट क्राइंग, आई एम जस्ट फीलिंग गिल्टी। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है एनी, तुम्हारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जितना भी है, जो कुछ भी है, वो ऋषिका का फॉल्ट है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना एनी, तो तुम गिल्टी फील क्यों कर रही हो? गिल्टी फील तो मतलब, पर मुझे, मैं क्या बोलूँ ऋषिका को, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे पता था कि ऋषिका ऐसी है, पर वो तुम्हारे साथ ऐसे करेगी, मुझे I'm really sorry एनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एनी, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं था वो है ऐसी, पर तुम्हारे साथ वो ऐसी करेगी, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। मैंने उसे बार बार बोला था कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम और दूसरी लड़की की तरह नहीं हो, मैंने बार बार उसको बोला था, फिर भी जान तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि वो मेरी कजिन है, वो मेरी सिस है, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। गलती मेरी है, मेरी है, बट एनी तुम गिल्टी फील मत करो, तुम प्लीज़ बुरा मत, क्या बोलूँ तुम्हें, क्या बोल के मैं अभी, पर मैं एक बात तुम्हें अश्योर कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। अब जो हो गया वो तो हो गया ना एनी, मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, और वो तुम्हारे लायक ही नहीं है एनी, यू नो, मतलब अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, तो प्लीज़ जो हो गया उसे भूल जाओ और मूव ऑन कर लो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी और हमेशा हूँ, तो प्लीज़ सैड मत होना और प्लीज़ मूव ऑन करने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ओके, टेक टाइम, बट प्लीज़। अच्छा यानी मुझे अब जाना पड़ेगा, तुम प्लीज़ सैड मत होना और ऐसे किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना जो तुम्हारे लायक ही नहीं है, और कल लॉगिन पे मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे ये सुनना ना पड़े कि तुम फिर से लॉगिन नहीं हुए, ठीक है? प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, थैंक यू जान। मेंशन नॉट एनी, और कोई भी ज़रूरत पड़े मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना, ओके? आई विल ऑलवेज हेयर फॉर यू। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर। बाय, थैंक यू।